नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का 2021 कैसा जाएगा और सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनके लिए क्या क्या उपचार करने चाहिए जिससे कि उनका जीवन और बेहतर हो और 2021 उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। देखिए, सिंह राशि वालों का जो व्यक्तिगत स्वभाव होता है, ये किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं और सिंह राशि वाले बहुत ही अधिक दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस काम को ठान लेते हैं येन केन प्रकार उसे करके मानते हैं। उनका जो शारीरिक रूप से बनावट होती है वो चौड़ा कंधा होता है, काफ़ी आकर्षक होते हैं और सिंह राशि वाले चौड़े चेहरे के होते हैं और जनरली वो सामान्यतः बहुत बुद्धिमान होते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, क्योंकि एक राशि पर बहुत सारे लोग होते हैं तो अपवाद छोड़ दीजिए तो सामान्यतः इनका स्वभाव होता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी इन्हें समय समय पर बहुत अधिक क्रोध भी आता है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व जो होता है, अगर माने टोटली इसका एनालिसिस करें तो वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी और काफ़ी स्वाभिमानपूर्ण व्यक्ति होते हैं और वो किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। किसी की चाकरी करना, किसी की नौकरी करना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। सिंह राशि वालों के लिए 2021 कैसा जाएगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम करियर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। जो लोग नौकरी में हैं और जो सिंह राशि वाले लोग नौकरी या नौकरी के प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में हैं, उनकी पदोन्नति की पूरी संभावना है, खास तौर से दूसरी तिमाही में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च पहली तिमाही, अप्रैल मई जून दूसरी तिमाही। तो अगर आप ये समझिए, अप्रैल मई जून में उनकी खास रूप से उन्नति होने की पूरी पूरी संभावना है। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें कुछ नौकरी या कुछ करियर में उन्हें अवसर मिले, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी संभावना है कि नौकरी उनको इस साल में, जो लोग बहुत टाइम से प्रतीक्षित हैं और इंतजार कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन हाँ, मेहनत जरूर करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत करिए, प्रयास करिए, सफलता अवश्य मिलेगी, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो व्यापार में है, क्योंकि करियर व्यापार में भी होता है, नौकरी में भी होता है और भी चीज़ों में होता है, तो एक सबके अलग अलग इसमें प्रभाव आ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से बताएं। देखिए, बुध जो है वो सूर्य के साथ हैं इस समय में सिंह राशि वालों के लिए 2021 में, तो उनका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि व्यापार के क्षेत्र में उन्हें लाभ तो बहुत मिलेगा, पैसा भी खूब आएगा, मगर एक टाइम आएगा, एक टाइम क्या, अप्रैल मई जून से लेके और जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये वो समय होगा जिनमें के खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी, यानी कि जितना कमाएंगे बहुत अच्छा, मगर इनके खर्चे भी उसी हिसाब से काफ़ी होंगे। तो इस वजह से इनको इस टाइप की दिक्कतें आ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाना, बहुत अधिक पैसों की तंगी महसूस होना, यानी आर्थिक रूप से अगर एनालिसिस करें तो सिंह राशि वालों के जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तनाव भरा टाइम हो सकता है, खास तौर से दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। पहली तिमाही में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब लेकिन लास्ट आते आते जब साल का अंत आएगा तब उनको इस चीज़ से कमी महसूस होगी, वो ठीक हो जाएगी और इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इसका असर रहेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और उतनी इनकमिंग खूब होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी के खर्चे हो जाएंगे, यानी खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। उसके स्वास्थ्य को रिलेटेड भी हो सकती है, माता पिता के रिलेटेड, मतलब माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होने से, और ये खर्चे व्यापार या प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो पहले से शादीशुदा लोग हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत मामूली झगड़े हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो भी अप्रैल मई जून में, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है और कुल मिला के अगर एनालिसिस किया जाए तो वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे झगड़ों को छोड़ दीजिए तो पूरा साल अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुशियों भरा समय होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनकी शादी नहीं हुई है मगर वो किसी रिश्ते में है, प्रेम में है, उन लोगों के लिए ये समय जो बहुप्रतीक्षित है वो शादी हो जाएगी। अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो वो भी पूरा हो जाएगा। इन चीज़ों में एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ठीक है वैवाहिक जीवन और प्रेम विवाह वगैरह हमने बताया, लेकिन ये वो समय भी है जब आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासतौर से सिंह राशि वालों के लिए बता रही हूँ। ये वो समय होगा जब आपको जिस किसी पर अगर अंधविश्वास करते हैं तो उस अंधविश्वास के लिए भी आंखें खोलने वाला समय होगा, प्रेम के मामले में। ये वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, प्रेम के मामले में हो सकता है कि आपको अपना दिल टूटना या ऐसी चीज़ महसूस हो कि जब आप जिसके साथ बहुत टाइम से थे वो एक छलावा था। तो प्रेम जो लोग इसमें हैं उन लोगों के लिए ये खास चेतावनी भरा समय होगा और सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने खास तौर से उनको जीवन में बहुत कुछ सिखा जाएंगे।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनके लिए खराब समय है या अच्छा भी है। जीवन में गलत रास्ते पर चलने से अच्छा है कि जीवन में सही चीज पता चल जाए, वो ज्यादा बेटर है। अब आ जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसा समय होगा? जो विद्यार्थी हैं अगर वो मेहनत करें तो ये साल उनको विदेश यात्रा या कहीं बाहर जाने का अवसर दे सकता है। कार्य क्षेत्र में नौकरी के लिए उन्हें साल के अंत तक इंतजार करना होगा क्योंकि शुरुआती कोई सफलता मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर से दिसंबर तक के बीच में जरूर उन्हें सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो वो लोग जो कि विदेश में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं उन लोगों के लिए वापस आने का, और जो भारत से बाहर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बाहर जाने का ये बहुत अच्छा समय है। यानी कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए आने और जाने के लिए यानी यातायात संबंधी, विदेश यातायात संबंधी बहुत अच्छा समय है उनके लिए, ये समय सूट करेगा। अब स्वास्थ्य से बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य रिलेटेड पहले तो 12 राशियों में स्वास्थ्य अपने कोरोना से खासतौर से बचिए क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य रिलेटेड सिंह राशि वालों के लिए शुरुआती समय साल का 2021 का शुरुआती समय कष्टप्रद रहेगा। उसके बाद का समय उनके लिए कष्टप्रद ज़्यादा नहीं है, और वो भी कष्टप्रद फेफड़े से संबंधित समस्याएं नहीं, क्योंकि जो कोरोना वायरस में जनरली हो रहा है ये पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा दिख रही हैं। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, संक्रमण, लिवर से रिलेटेड इस टाइप की समस्याएं ज़्यादा दिख रही हैं, फूड पॉइजनिंग इस टाइप की समस्याएं दिख रही हैं। तो खान पान के मामले में सावधानी बरतें और अपना ध्यान रखें। अब हम ओवरऑल पूरा सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल बताते हैं कि 2021 कैसा रहेगा। देखिए हमने एक टुकड़ों टुकड़ों में बता दिया, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो 2021 उनके लिए चुनौती भरा समय है। चुनौती इस मतलब से नहीं कि वो बहुत स्ट्रगल करेंगे, चुनौती इस मतलब से है कि 2021 का समय उनके लिए जितनी ही अच्छी उपलब्धियां लेकर आएगा, जितना ही उनके धन के लिए अच्छा है, उतना ही वो उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, नए अवसर भी मिलेंगे, सही गलत में पहचान भी होगी, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उन्हें छलेंगे जिससे कि वो समझेंगे, सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 2021 सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही सीखने का साल है। बहुत कुछ जीवन में जब आगे जाएंगे तो इस साल को वो कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इस साल में उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। तरक्की के लिए, धन के आवागमन के लिए बहुत अच्छा साल है। जिन चीज़ों के लिए कभी सपने देखे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए उसके लिए अच्छा समय है। करियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी समय ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन साल का अंत अच्छी खबरें देके जाएगा, खुशियां देके जाएगा। धन के मामले में तो बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य बुध शुभ भाव को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मामले के लिए तो बहुत अच्छा है। धन के आवागमन, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं वो भी अगर अक्टूबर के बाद सोचें तो 100% वो इसमें सफल हो जाएंगे अगर वो चाहते हैं घर लेना। तो सिंह राशि वालों के लिए एक चीज और खास इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, वो इस पूरे साल में किसी भी नए प्रोजेक्ट को करने के लिए अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने छोड़ के ही कोई नया प्रोजेक्ट साइन करें। शुरुआती साल में कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में करते हैं, लेकिन नया प्रोजेक्ट के लिए अप्रैल, मई, जून को अवॉइड करें। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो हर व्यक्ति की पर्सनल कुंडली भी होती है, सिर्फ सिंह राशि होने से सारी चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती, तो इसलिए फिर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बात है, लेकिन नॉर्मली अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड जरूर करें। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए 2021 का समय पूरी तरह से अच्छा है और ओवरऑल काफ़ी मिला जुला तो नहीं कह सकते, अच्छा ही कह सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ और जानना चाहते हो या अपनी पर्सनल कुंडली डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। नमस्कार।